स्वागत है गाइस आप सभी का हमारे चैनल के एक और नए वीडियो में। और यहाँ पर हम हर बार की तरह कुछ अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना देरी किए। तो सबसे पहले मैं उन सभी को एक अच्छी अपडेट दे दूं जो लोग एक्सयूमा की हिंदी तमिल तेलुगु डब के लिए वेट कर रहे थे बुक माय शो के स्ट्रीम पर, तो उनके लिए अच्छी खबर है क्योंकि आखिरकार लेट ही सही लेकिन इसकी हिंदी डब वर्जन है वो कल के ही दिन रिलीज कर दिया गया था इवनिंग में। तो जो भी हो, अगर आपने अभी तक इसकी हिंदी डब वर्जन को चेकआउट नहीं किया, जाइए बिना देरी किए बुक माय शो के स्ट्रीम पर बाय रेंट सर्विस पर चेकआउट कर लीजिए। तो अब चलिए जानते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो अगला अपडेट स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग के ड्रामाज देखना पसंद करते हैं, तो उनके लिए अच्छी खबर है क्योंकि लास्ट रिलीज हुई म्यूजिकल रोमांटिक यूथ ड्रामा स्नेप एंड स्पार्क, जिसकी राइट्स है उसे वनटेक मीडिया ने काफी समय पहले एक्वायर किया था। तो अब जाके इसकी जो प्रीमियर है वो इसी महीने होने वाली है 16 अगस्त को प्लेफ्लिक्स पर, जहां आपको इसकी हिंदी डब वर्जन में देखने को मिल जाएगी। और ये भी रिपोर्ट कर दूं कि हो सकता है कि इसकी जो डेट वगैरह है वो आगे भी बढ़ जाए, तो ये नोट करके रखिएगा। और इसके अलावा इसकी सीजन 1 में टोटल 8 एपिसोड देखने को मिलेगी, इसकी एपिसोड की रन टाइम करीब आधे घंटे की है। जो भी हो, MDL पर इसकी जो रेटिंग है वो है 7.1 आउट ऑफ 10। तो अब चलिए जानते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। अगला अपडेट स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग डेडपूल एंड वॉल्वरिन के डिजिटल प्रीमियर के लिए वेट कर रहे हैं, तो उन सभी को बता दूं कि जो इसके डिजिटल प्रीमियर की जो अपडेट निकल के आ रही है यानी वो सर्विस की जो डेट निकल के आ रही है वो है अक्टूबर की फर्स्ट वीक। जी हां गाइस, अपने से सुना, लेकिन हो सकता है कि आपको वो सर्विस पर इसकी हिंदी डब वर्जन देखने को ना मिले बल्कि आपको इसकी इंडियन रीजनल डब लैंग्वेज से वो आप सभी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अक्टूबर के एंड तक देखने को मिले, तो ये भी नोट करके रखिएगा। हो सकता है कि इंटरनेशनली इसकी जो डब लैंग्वेज है उसे भी रिलीज कर दिया जाए क्योंकि ऐसा अक्सर होता रहता है। इसके अलावा कुछ अदर रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर के एंड तक भी इसकी जो डिजिटल प्रीमियर है वो इंटरनेशनली वोट सर्विस पर हो सकती है। तो देखते हैं क्या होता है, फिलहाल के लिए इतना ही अपडेट्स निकल के आ रही है इसकी डिजिटल प्रीमियर को लेकर। तो अब चलिए जानते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो अगला अपडेट है नेटफ्लिक्स की अपकमिंग लाइव एक्शन सीरीज को लेकर। जी हां गाइस, रिसेंटली अपडेट निकल के आ रही है कि नेटफ्लिक्स एक जेपनीज मूवी पर यानी उसकी लाइव एक्शन पर काम कर रही है जिसका नाम है द ह्यूमन वेपर। जी हां गाइस, ये जो मूवी है वो 1960 में रिलीज हुई थी। तो अब जाके ये अपडेट निकल के आ रही है कि नेटफ्लिक्स इसकी लाइव एक्शन सीरीज बनाने जा रही है जिसका प्री प्रोडक्शन का वर्क है वो अभी चल रही है और आने वाले समय पर इसकी जो फिल्मिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। और इसी के साथ इस लाइव एक्शन सीरीज के साथ जुड़े हुए हैं ट्रेन टू भूसान के क्रिएटर यानी संग हो, जो इस सीरीज के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर होने जा रहे हैं। फिलहाल अभी ज्यादा अपडेट इस लाइव एक्शन सीरीज के रिगार्डिंग नहीं निकल के आ पा रही है, लेकिन जल्द ही निकल के आएगी तो फिर मैं आपको इसकी जानकारी दे दूंगा। तो अभी के लिए इतनी अपडेट है, चलिए मिलते हैं इसी तरह के एक और नए वीडियो में। एंटिल देन टेक केयर।